हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज किचन रेसिपी में। मैं आपका दोस्त फ्रेंड राज, और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही पुरानी एक डिलीशियस और बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये रेसिपी बनती है। फिर भी मैं इसमें से थोड़े बहुत खुद के जो इंग्रेडिएंट है वो उसमें डाल रहा हूँ, और ये काफ़ी पुरानी रेसिपी है और इसका नाम शायद आप लोगों को पता ही नहीं होगा, जो काफ़ी पुराने लोग हैं। उत्तर प्रदेश की बहुत पुरानी रेसिपी है, कढ़ी टाइप की एक रेसिपी है। कढ़ी बनाते हैं, जो कढ़ी हम करी बनाते हैं बेसन की, उस टाइप की एक रेसिपी है और बहुत ही पुरानी रेसिपी है, और उसका नाम है चनगोरा। अगर आपको इसका नाम पता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और आपके मेरे तो ये परनानी बनाया करती थी, फिर मेरी नानी बनाया करती थी, फिर मेरी मम्मी ने सीखा और मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बनती, तो आज मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ चनगोरा की। चनगोरा बोलते हैं उसको। अब इसका मैंने पूरा सर्च नहीं किया है, अगर आपको इसके बारे में पता हो तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कभी चनगोरा खाया क्या, और आप अपने पुराने दादी नानी इनसे पूछ सकते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, ये इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं यहाँ पर। 50 ग्राम मैंने बेसन लिया है, 1 टीस्पून करीब मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, और 1/2 टीस्पून ही मैंने हींग पाउडर लिया है, और एक खड़ी हींग ली है, 1 टेबल स्पून लिया मैंने जीरा, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा मैंने लिया धनिया पाउडर करीब आधा चम्मच, और हल्दी ली है मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिए, और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है इसका केरी यानी ग्रीन मैंगो। तो शुरू करते हैं इसको बनाना, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी मसालेदार, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो शुरुआत करते हैं बनाने की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो केरी है, अमिया है, ये अमिया को छील लेते हैं इस तरीके से। इसको इस तरीके से छील के, और हमें ये जो पार्ट है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने छील के रखी है, ये इस तरीके से बीच में से इसके ये पार्ट निकाल लेने हैं। ये देखिए गुटली के ऊपर ऊपर से ये पार्ट निकाल लेना है, ये है, इस तरीके से इसको काट लेंगे सारी को हम। तो ये देखिए केरी को मैंने इस तरीके से अमिया को काट लिया है, गुटली भी इसमें ही डलेगी, और ये देखिए इस तरीके से काट लिया है। थोड़े बड़े बड़े भी काट सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ गैस पे हमने चढ़ा दी है कढ़ाई, और अब इसमें डालते करीब 1 टेबल स्पून तेल। तेल काफी कम डलता है इसके अंदर, थोड़ा सा तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने के साथ इसमें हम डालेंगे हम जीरा, जीरे को लगाएंगे तड़का। तो यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जीरे को जलाना नहीं है, जो मीडियम होता है ना, हल्का सा तड़काना है बस। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन, काली मिर्च पाउडर, हींग पाउडर, गैस रखेंगे यहाँ पर लो फ्लेम पर, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, मिर्च और हल्दी, मिला लेते हैं, और साथ ही हमारी केरी उठाकर डाल देंगे इसमें, यानी अमिया, इसको फ्राई करेंगे हम करीब 2 मिनट लो फ्लेम पर। तो यहां पर हमने इसको 1 मिनट चला लिया है, अब भी करते हैं हम गैस बंद, और यहां पर भगोनी के अंदर डालते हैं बेसन। बेसन को छान के यूज में लेना है आपको, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर, और इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसको मिलाना है। यहाँ करीब मैं 2 कप पानी शुरू में डालूंगा, और जैसे जैसे हम इसे चलाएंगे कढ़ाई में, वैसे वैसे ये पानी सोख करेगा और गाढ़ी होती जाएगी, और ये पतली बनती है। बस इस तरीके से मिलाने के बाद अब यहां पर ऐड कर देंगे इसको। गैस को कर देंगे हम ऑन, और अब इसको चलाएंगे। अब ये गाढ़ी होती जाएगी, तो पानी इसको पतला ही करना है, तो करीब इसमें हम, मैं बता देता हूँ आपको, 2 कप पानी और डालना है, तो बबल आने तक इसको लगातार चलाएंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बबल आ गए हैं, हमने इसको लगातार, और ये गाढ़ी भी हो गई, देखिए गाढ़ी हो गई, काफी पतली थी, और अभी 2 कप पानी इसमें और डाल देते हैं।
इतना पानी बहुत है, अब इसको हम चलाएंगे और बबल आने तक। इसके अंदर वापस बबल आ गए हैं, गैस करते हैं यहाँ पर लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर गैस कर देंगे और करीब 2 से 3 मिनट इसको ढककर रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। मिनट ढक्कन हटा लेते हैं और अब इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर कर देंगे गैस को, और मीडियम लो फ्लेम पर अब इसे हमें करीब 3 से 4 मिनट और चलाना है इस तरीके से। अब इसमें हमने 2 मिनट हमने इसको चला लिया है, अब डालते हैं इसमें लास्ट में नमक। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ 1/2 टीस्पून नमक, आप ले सकते हैं स्वाद अनुसार। मिला लेते हैं और ये देखिए इतनी पतली ही होती है, इसको बस 1 मिनट और हमें चलाना है। मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताना आप कि आपने ये रेसिपी का नाम सुना है या नहीं सुना है, और अगर नहीं सुना है तो अपने बुजुर्गों से जरूर पूछें। अगर आप यूपी से हैं तो आपको कहीं ना कहीं से जरूर पता लगेगा, और अगर आप जानते हैं उस बारे में तो भी मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताएं। और इसको आप 48 घंटे तक रख सकते हैं, 48 घंटे तक, या फ्रिज में नहीं रखोगे तब भी ये 48 घंटे तक ख़राब नहीं होने वाली है बिल्कुल। और ये जब हम इसको रख देंगे तब ये और हल्की सी गाढ़ी हो जाती है। तो ये यहाँ पर हमारा ये चनगोरा की रेसिपी बनकर तैयार है। आप भी घर पर ट्राई करना, केरी अभी आ ही रही है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट, 50 ग्राम बेसन और इसमें 2 केरी, इतने के अंदर ही ये हमारी कढ़ी बनकर तैयार है। कोई इसमें धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बाद में इस पर थोड़ी सी जो स्प्रिंग ऑनियन होती है वो थोड़ी सी इसके ऊपर मैं गार्निश करूँगा और फिर इसे सर्व करेंगे। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, पूड़ी के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगती है रेसिपी और काफ़ी पुरानी है। तो फ्रेंड्स दोस्तों करते हैं हम गैस बंद। तो ये बनकर तैयार है, ये देखिए। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, और जब भी आप इसे बनाएं और फिर इसे स्वाद और टेस्ट करके मुझे आकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाया है खट्टा खट्टा कढ़ी चनगोरा उसको खाकर खत्म करते हैं।